उत्तर प्रदेश में इस समय आर्थिकता से स्थानीय किसान मजदूर अल्पसंख्यक सभी वर्ग दहशत भरे एवं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। वर्तमान सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है, वहीं व्यापारी और मजदूरों का जीवन संकट में है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था भी जर्जर हो चुकी है। पूरा प्रदेश जल रहा है, लेकिन ये संविधान की धज्जियां उड़ाने पर ये मोदी और अमित शाह जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार, जो मैं समझता हूं कि महंगाई, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और घुसखोरी, गन्ना किसानों की समस्या, तमाम ऐसी समस्या है, नागरिकता बिल, इस तमाम समस्याओं के लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी जी की सरकार हम लोगों को रोक रही है, जो संविधान का उल्लंघन है। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं है, जगह जगह लूट खसोट, अत्याचार, भ्रष्टाचार और नैतिकता नाम की कोई चीजें नहीं रह गई। रोज महिलाओं के साथ बलात्कार कहीं न कहीं हो जा रहा है। उन्नाव में देखिए, तमाम जगहों के पर इस तरह से अत्याचार, अन्याय हुआ है, लेकिन ये सरकार आज तक फेल है। मैं समझता हूँ कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश का अगर नहीं चला पा रहे हैं तो छोड़ दें।